हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप। और आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दोनों जगह पर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब और जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तब, बहुत जरूरी रहता है। क्यों जरूरी हो जाता है? देखो, सिंपल सी चीज है हमारे सामने कि अगर आप टाइमली सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम पेपर को, तो फिर जो है आप हेजिटेट भी हो जाओगे, आप घबरा भी जाओगे और क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट नहीं करोगे। मैं कुछ टिप्स आपके सामने लेकर आया हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग योर एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इस पॉइंट को आप लोग लिख कर रखिएगा। अगर मैं सीएसआई या नेट लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी भी दूसरे एग्जाम की हम लोग बात करें, आपको जो है टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको मिले 180 मिनट्स, आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं? पार्ट ए है आपका, पार्ट ए में आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट बी है आपका, वहां आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 35 क्वेश्चंस। और पार्ट सी है आपका, जहां आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75 25 क्वेश्चंस। तो यानी कि आपने अटेम्प्ट इतने क्वेश्चन जो है करने हैं, और आपने इनको 180 मिनट्स में करना है। तो बीइंग ए लाइफ साइंस स्टूडेंट और बीइंग ए लाइफ साइंस स्टूडेंट, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट कहाँ है। आपके स्ट्रॉन्ग है ये दो पार्ट आपके जो आपके सब्जेक्ट को मैटर बिलोंग करते हैं। पार्ट ए जनरल है, जो है हमारा साइंस का पेपर है, जिसमें पेपर सबके लिए कॉमन होता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलते हैं। लाइफ साइंस के बच्चे का मैथ वैसे भी थोड़ा सा तो वीक होता है, हालांकि पूरा मैथ नहीं होता है वो, पर फिर भी थोड़ा सा तो घबराहट होती है। तो इसलिए आप वहां से स्टार्ट ना करके आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिएगा। सेक्शन टीम सी में हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग में आपका एक नंबर माइनस में चला जाता है, 20.25% नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ इस केस में अगर आप एक प्रॉपर टाइम देते हो उसको, 25 क्वेश्चन ही आपने जो है एक्चुअली सही से रीड भी करने हैं और सही से सॉल्व भी करने हैं, तो इस केस में आप टाइम देकर चलिए कि इसको आपको एटलीस्ट जो है 100 मिनट देने। आउट ऑफ 180 मिनट आपने इसको 100 मिनट देने हैं। ठीक है, 100 मिनट को आप 90 to 100 की रेंज में रख सकते हैं। आप पूरा टाइम सेट कीजिए एग्जाम के टाइम पर कि 90 to 100 मिनट आपने इसको देना है, और ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको प्रॉपरली रीड करिए, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हैं। और जब आप इस क्वेश्चन को, जब ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो एवरेज मिनट की अगर मैं बात करूं, आपने एक क्वेश्चन को कम से कम 25 क्वेश्चन आपने ठीक से रीड करना है, तो आप एटलीस्ट 3 मिनट से लेकर 4 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एवरेज मिनट टाइम इसलिए मैंने कम किया 3 को, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपने 1 या 2 मिनट लगा दिया और वो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो एवरेज आपको 3 से 4 मिनट मिल जाती है, जो कि सफिशियंट होता है। अब अगर आप यहां पर सारे क्वेश्चन सही कर लेते हो सेक्शन सी में, देन यू कैन मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए अब आपके पास यू हैव 80 मिनट्स, आपने मार्किंग भी कर दिया है। सेक्शन बी के लिए आप जो है आपने क्वेश्चन रीड करने हैं 35 क्वेश्चन। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम आप जो है 30 सेकंड से 35 सेकंड में एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लोगे। आंसर आता है तो आप आंसर कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर लोगे। ऑन एन एवरेज आप एक क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट दीजिए, ठीक है, 1 मिनट से लेके 2 मिनट आप एक क्वेश्चन को दीजिए। तो इस केस में आप जो है एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, तो आप फिर भी जो है ऑलमोस्ट 60 मिनट में जो है ये क्वेश्चन रीड कर चुके होंगे सारे के सारे और सॉल्व कर चुके। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा सेक्शन बी के, क्योंकि 35 ही क्वेश्चन आपने रीड करना है। ऑन एन एवरेज अगर आप 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम भी लेते हो, तो 60 मिनट इज इनफ फॉर यू गाइस। तो इस केस में आपने अब कितना टाइम दे दिया, अब आपने जो है, अब आपके पास 20 मिनट्स बचे हुए हैं। यहाँ पर ये 20 मिनट जो है वो सेक्शन ए के लिए, साथ साथ में कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है आपको, क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग सेक्शन आपका यही है। तो इस केस में आप वहां से टाइम थोड़ा सा बचा सकते हो। कभी कभी आप 25 क्वेश्चन को रीड करने में हो सकता है कि आप 70 to 80 मिनट में भी कर लें। देन जो भी टाइम आपने वहां से बचाया, और साथ साथ में आपके पास 20 25 मिनट यहाँ बच चुके हैं, आप इसको पूरा ए सेशन को दीजिए, क्योंकि आपने केवल 15 ही क्वेश्चन अब यहाँ पर रीड करने हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हो एग्जाम के टाइम पर, तो आपका पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा, और आपको जो है फिर वो जो हम लोग नहीं बोलते कि घबरा गए हैं, टाइम नहीं है ये सब, क्योंकि सेशन ए में अगर मान लीजिए सेशन ए टोटल जो स्कोर करता है कितना आपके 30 मार्क्स, उस 30 मार्क्स के पेपर के लिए आपने जो है 1 घंटा लगा दिया, तो कोई वैल्यू नहीं है उसे 1 घंटे। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए आप 1 घंटा दे रहे हो, तो इसका मतलब आप टोटल तो 90 मार्क्स ही कर रहे हो अटेम्प्ट। तो लॉजिकली अगर आप सोचो, तो आप सबसे अच्छे सेशन को सबसे ज्यादा टाइम दो, ये 100 मार्क्स का आपका। अब अगर 100 मार्क्स वाले को आप 1.5 घंटा दे दे रहे हो, तो कोई बड़ी बात।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करना है, ठीक है। रही बात घर पर, अगर आप प्रिपरेशन के साथ आपको टाइम मैनेज करने की, तो देखो कम से कम आप अपने टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि डेली के लिए आप कम से कम 3 से 4 घंटा स्टडी कर रहे हो डेली बेसिस पर, और 2 से 3 घंटा आप रिवाइज कर रहे हो, और 1 से 2 घंटा आप जो है PYQs को दे रहे हो, या कोई भी आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहे हो। तो डेली बेसिस पर आप जो है 6 से 7 घंटा दे रहे हो रेगुलरली, अगर आप 6 मंथ में टारगेट करके चल रहे हो। अगर आप 1 ईयर में टारगेट कर रहे हो, तो आप इस टाइम को थोड़ा सा जो है कम कर सकते हो। बाकी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट आप इनमें से इस हर चीज को आप हाफ करके अपने टाइम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे अगर उनको टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज दे आर वर्किंग 7 से 8 या 9 घंटे की तो जॉब ही होती है। कॉलेज भी हम लोग बात करें, 6 से 7 घंटे का हमारा कॉलेज में चला जाता है, फिर कॉलेज के अपने कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। फिर भी जो है, आप अगर आप वर्किंग नहीं है, तो आप टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप पर डे बेसिस पर 8 से 9 घंटा दीजिए अपने आप को, जिसमें सब कुछ है, आपके प्रॉपर स्टडी है आपकी, आपका रिवीजन है, आपके PYQs है, ठीक है। जो वर्किंग है वो इस टाइम को हाफ कर दे, एटलीस्ट वो 3 से 4 घंटा तो दे किसी भी टाइम, किसी तरीके से निकाल के। तो इस तरीके से आप जो है अपना ड्यूरिंग स्टडी और ड्यूरिंग एग्जाम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई हमेशा कीजिए, लाइफ साइंस का अगर बच्चा है तो अपने कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, और सबसे बड़े सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे बड़े सेक्शन में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और बहुत सारी चीजें जो है आपको फिर वहां से जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको बी सेक्शन में भी चीजों को रियायत कराने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक बेहतर तरीके से टाइम मैनेज करा सकती हैं। सो ये था इन सबके बारे में, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा डेस्क बुक ऐप से, हमारी इस ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा, वहां पर फ्री लेक्चर्स होते हैं, आपके आपके यूट्यूब पर भी फ्री लेक्चर्स होते हैं, सब जगह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।